फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे थंबनेल को देख के आपको क्लियर जरूर हो गया होगा। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो मैं आपके साथ जो घर में पड़ी ही चीज़ें हैं उनसे बहुत अमेजिंग स्किन प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, जो आपकी स्किन को फ्लोलेस और आपके रिंकल्स को करेंगे कम और आपकी स्किन को कर देंगे ब्राइटन अप। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर कोई नया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को और के साथ भी शेयर करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए जस्ट लेट स्टार्ट द प्रोसीजर। तो क्रीम को बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए मैंने एक ट्रे में रख दी हैं। एक है एलोवेरा, ग्लिस्ट्रीन और ये ऑरेंज। तो यहाँ पे हम ऑरेंज और एलोवेरा को अच्छे से वॉश कर देंगे ताकि उस पर कुछ भी डस्ट पार्टिकल हैं वो क्लीन हो जाए, क्योंकि हम इस क्रीम को फेस पे अप्लाई करने वाले हैं। तो फेस पे जो भी चीज़ अप्लाई करनी हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही होनी चाहिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले इस ऑरेंज के छिलके सारे निकाल दूंगी और ये जरूर रखना ध्यान कि छिलके छोटे छोटे ही आप यहाँ निकालें। अगर बड़े भी आपसे निकल रहे हैं तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कर दें, क्योंकि हम इसे ब्लेंड करने वाले हैं तो ब्लेंड करने में आसानी रहेगी। तो इन छिलकों को अब मैं 1 से 2 मिनट मैक्सिमम आपको बॉईल करना है ताकि हल्का सा आपका छिलका सॉफ्ट हो जाए। तो यहां मैंने बॉईल करके अब इसको मैं डाल रही हूं इस जार में जिसमें मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूं। तो सारा का सारा मैंने छिलका इसमें जार में भर दिया है। इसके बाद टर्न आती है एलोवेरा की। तो यहां देखिए एलोवेरा को हम एजेस से पहले कट करेंगे, फिर इसको कट करने का प्रोसीजर ही इस तरह अच्छे से इसकी एजेस कट कर दें, फिर ऊपर से इसे कट करें, फिर उसके बाद इसका जेल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है आप जो आपके घर में फोर्क होता है उससे इसको स्क्रैच करें अच्छे से। तो स्क्रैच करने से जितना भी जेल होता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है, आपको कोई इश्यू नहीं आता है। तो जब आप इसको अच्छे से पूरे जेल को स्क्रैच कर देंगे उसके बाद किसी भी शार्प चीज़ की हेल्प से पूरा जेल निकाल दीजिए। तो यहाँ मैंने नाइफ ले ली है तो नाइफ की हेल्प से मैंने पूरा जेल निकाल दिया है। तो यहाँ मेरा जेल पूरा निकल गया, उसको मैंने डाल दिया था इन छिलकों के साथ। अब 1 से 2 स्पून आप यहाँ ग्लिसरीन के डाल दीजिए और यहाँ हम कर देंगे जार को बंद और बना देंगे इसका पेस्ट। सो जो ये क्रीम रेडी होगी तो उसको हमें स्टोर कहाँ करना है। इस तरह के क्रीम के बहुत सारे बॉक्सेस घर में ऑलरेडी होते हैं तो हमें उन्हें अच्छे से क्लीन कर लेना है उन बॉक्सेस को। तो यहाँ देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए और यहाँ पर हम इसको डालेंगे जो हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। सो इस तरह से मेरा ये क्रीम का पेस्ट रेडी हो गया है और यहाँ मैं इसको डाल दूंगी इस बॉक्स में। सो आप देखते हैं मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर अच्छे से निकाल कर इस जार से डाल दिया है इस वाली बॉक्स में। तो यहाँ हमारी क्रीम बनके रेडी है, नाइट क्रीम, विटामिन सी नाइट क्रीम रेडी है। सो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी विटामिन सी नाइट क्रीम बनके रेडी है। तो फेस पे कुछ भी चीज़ लगाने से पहले सबसे पहला काम होता है फेस को अच्छे से क्लीन करना। तो मैंने फेस पे ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया था तो मैं इस तरह नैपकिन से इसको जस्ट क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा फेस इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। तो इसको क्लीन करने के बाद हम जिस तरह नॉर्मल क्रीम लेते हैं अपने 2 फिंगर्स पे उसको लेंगे और फेस पे जेंटली अप्लाई करेंगे। कभी भी प्रेशर लगाकर फेस पे कुछ भी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए और उसके बाद उसको अच्छे से फेस पे लगाएंगे और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी करेंगे ताकि आपका जो फेस है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। तो इस तरह करने से क्या होता है ना, जब आप सुबह उठोगे तो आपको आपका फेस बहुत फ्रेशन अप लगेगा और बहुत हाइड्रेटेड फील होगा। सो इस क्रीम को एवरी नाइट यूज़ कीजिए और इसका बेस्ट रिजल्ट ज़रूर देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा इसको यूज़ करने के बाद। तो चलो अब हम अपनी सेकेंड चीज़ पर चलते हैं जो कि है हमारा विटामिन सी पाउडर। सो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्लेट में ये सूखे हुए संतरे के छिलके हैं जो मैंने 4 से 5 दिन अच्छे से तेज धूप में अच्छे से सुखा लिए थे। तो हमको इसी तरह से इनको सुखाना है ताकि जब हम इसे तोड़े तो जिस तरह से हम कोई हार्ड से चीज़ तोड़ने पे उसकी आवाज़ आती है इसकी आवाज़ भी उसी तरह से आनी चाहिए। और यहाँ मैं इन पीसेस को थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि जब हम ग्राइंडर में से ग्राइंड करें तो अच्छे से इसका पाउडर बन जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन संतरों से ये पाउडर बनकर रेडी हो गया है और आपके कुछ ग्रैनुल्स रह जाते हैं जब भी आप कुछ ग्राइंड करते हैं। तो इस तरह से आपकी जो छाननी रहती है आटे वाली उसमें अच्छे से इसको छान लें ताकि जो थोड़े से ग्रैनुल्स हैं वो अलग हो जाए और जो पाउडर है वो इस प्लेट में आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इतने सारे ग्रैनुल्स थे तो वहाँ वो छन्नी में रह गए हैं और आपका पाउडर जो है इस प्लेट में वो इकट्ठा हो गया। वरना नेक्स्ट काम क्या है, जो ये पाउडर बनकर रेडी हुआ है इसको हमें किसी कंटेनर में डालना है। तो ये घर में इस तरह के कंटेनर आपके पड़े रहते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है बस उसे इसमें डाल दीजिए। बस इतना ध्यान रखें कि वो गीला ना हो, अच्छे से उसको सुखाएं फिर ही डालें और कोई और चीज़ उसमें पहले की हो तो उसको अच्छे से धोकर ही इसमें डालें। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतना अच्छे से आपका ऑरेंज का जो पाउडर है वो बनकर रेडी
हो गया है, तो अब हमें इसे किस तरह से यूज करना है मैं आपको वो भी बताऊंगी। और नेक्स्ट अब हम बना रहे हैं आइस के लिए स्लाइस आलू की। तो यहाँ पे हमने एक आलू ले लिया है, उसको हम छील देंगे और उसको छीलने के बाद इस तरह से हम उसकी पतली पतली स्लाइसेस करने वाले हैं, क्योंकि जो आइस में जो पफीनेस रहती है, जो आपके रिंकल्स होते हैं उनको और जो डार्कनेस रहती है उनको रिमूव करने में आपका जो आलू होता है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसके आलू को हम इस तरह से, जो एलोवेरा का मैंने एक पेस्ट सा बना रखा है उसमें हम डिप करेंगे, तो एलोवेरा में भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके रिंकल्स और डार्कनेस और पफीनेस को हटाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से स्लाइसेस रेडी हैं, हम इन्हें फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये कूल हो जाएं, क्योंकि आप कूल कूल अगर आइस ये स्लाइस लगाते हैं आइस में तो वो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे ताकि अच्छे से कूल हो जाए, उसके बाद ही हम इन्हें आइस के ऊपर लगाने वाले हैं। देख सकते हैं मेरा ऑरेंज का पाउडर बनकर रेडी है। सो उसका किस तरह से हमें फेस पैक बनाना है, तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में एक स्पून मैंने ऑरेंज पाउडर ले लिया है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हनी। जिसकी स्किन ड्राई रहती है वो हनी ज़रूर डाल दें तो वो ड्राइनेस फील नहीं होगी, और अदरवाइज आप नीम भी डालें तो चलेगा। और उसके बाद मैं यहाँ कर्ड का यूज़ कर रही हूँ। आप अपना ये जो फेस पैकेट किसी भी तरह से बना सकते हैं, आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें आपका जो रॉ मिल्क होता है वो यूज़ कर सकते हैं और इस फेस पाउडर को फेस पैक को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिला लिया, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है, बिकॉज हल्दी में बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके फेस में कुछ मार्क्स या स्कार्स हैं उनको हील करने में ये हेल्प करता है। सो इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा फेस पैक बनके रेडी है। सो वही अब हम करेंगे इसे फेस पे अप्लाई। तो यहाँ देखिए मैंने अपने फेस को फिर से अच्छे से क्लीन कर दिया है, अच्छे से इसको अपने टॉवल से मैं क्लीन कर रही हूँ जो मैंने वाटर था अपने फेस पे। तो हमेशा कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले, कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लें। और यहाँ जो मैंने फेस पैक रेडी किया है उसको अब मैं फेस पे अप्लाई करूंगी। सो यहाँ अच्छे से आपको पूरी तरह से हर एक पोर्शन में फेस के इसको जेंटली अप्लाई करना है, कोई भी पोर्शन आपका बचना नहीं चाहिए। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर दिया है पैक को। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर अपने जो ये स्लाइस काट कर लगाए थे पोटैटो के, जिसमें मैंने एलोवेरा भी ऐड किया था, इसको फ्रीजर में रख दिया था, क्योंकि जो आपकी ठंडी चीज़ आप जब आइस पे लगाते हैं जो आपकी पफीनेस रहती है इसकी वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से आपको इसको जो आपकी ये स्लाइसेस हैं इनको चिल करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इन स्लाइसेस को भी अब आइस पे रखने वाली हूँ ताकि मेरे अंडर आइस की जो पफीनेस, जो डार्कनेस है वो भी चले जाए, क्योंकि जो पोटैटो की स्लाइस होती है प्लस उसमें एलोवेरा ऐड हुआ है, ये दोनों ही बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके आइस के डार्क सर्कल को हटाने के लिए और आपके आइस के पफीनेस को रिमूव करने के लिए। सो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आप इसको 15 मिनट्स के लिए फेस पे रख देंगे, आपके फेस पैक को भी और ये जो आपने स्लाइस लगा रखी है इसको भी। और जैसे ही आपका फेस पैक यहाँ पे बिल्कुल सूख जाता है उसके बाद आप इसको बहुत जेंटली फेस को वॉश करके इसको हटा देंगे। सो हम 15 मिनट्स के लिए वेट करेंगे अभी। सो आप यहाँ देख सकते हैं आपका फेस पैक सूख चुका है, तो अब हम इसको वॉश कर देंगे। सो वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं आपका फेस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ब्राइट एंड प्रिटी लग रहा है। सो इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए या आप इसको एवरीडे भी यूज़ कर सकते हो या अल्टरनेटिव डे पे भी यूज़ कर सकते हो। जब कभी स्किन में बहुत ज़्यादा टैन हो तो आप इस पाउडर में मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हो, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी टैन रिमूव करने का सबसे बेस्ट वे है। सो इस तरह से आप इस पाउडर को बहुत ईजिली घर में बना सकते हो और अपनी स्किन को फ्लॉलेस बना सकते हो। तो ऑरेंज को मैं बता दूँ आपको, जो ऑरेंज हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, विटामिन सी जो हम यूज़ करते हैं, हमारी फेस में जो पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशनेस है, जो हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, इन सबको रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है और आपकी स्किन को भी बहुत फ्लॉलेस बनाती है, आपके रिंकल्स को फेस में कम करती है और आपके एजिंग को कम करती है फेस के। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर चैनल पर कोई नहीं है तो फिर से कहूँगी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सबके साथ शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सो ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।